शशिभूषण सोनी, प्रांत प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ। जैसा कि सर्वविदित हो कि 11 तारीख को जो शुक्रवार को जो जिला रायगढ़ में जो घटना कारित हुई थी, उसके विरोध स्वरूप जो है हमारे जो राजस्व प्रशासन है, जिसमें हमारे संघ के तहत जो है राजस्व पटवारी और लिपिक वृत्त लघु वेतन और जो अन्य संघ है उनके समर्थन अनुसार हड़ताल प्रारंभ किया गया था, जिसमें 3 सूत्री मांगों के सहित राजस्व न्यायालय को दुरुस्त करने की प्रक्रिया पे सचिव महोदय के आश्वासन पे आज 18 तारीख को हम लोगों ने इस हड़ताल जो है आगामी हमारे मांगों की पूर्ति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के आश्वासन पर आज समाप्त किया है, स्थगित कर चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि बहुत जल्दी ही सरकार से हमको लिखित में आश्वासन मिल गया। हमारी जो मांगे थी, जो आरोपी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की, उसमें से 4 तो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 की बाकी है। और हमने जो सुरक्षा की मांग के लिए किया था उसके लिए भी हमको लिखित में मिल गया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सरकार को, शासन को। और हमें उतनी कोई समस्याएं नहीं हुई है, हम लोग की मांगे तो बहुत जल्दी मान ली गई है। और उसके लिए धन्यवाद सभी साथियों का धन्यवाद, सभी संगठनों का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य में कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, जिनमें 3 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग थी रायगढ़ तहसील कार्यालय में घुसकर हमला करने वालों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, दूसरा इन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलना चाहिए, और तीसरा भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये सौभाग्य का विषय है कि हमलावर सब गिरफ्तार हो चुके हैं, और न केवल गिरफ्तार हुए बल्कि जेल में बंद है। दूसरा, कल छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के जो हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कलेक्टर करेंगे। तो इस लिखित आश्वासन के बाद ये आंदोलन वापस हुआ है। अब ये देखते हैं कि मैदानी स्तर पर कलेक्टर लोग इनको कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसका पालन होता है कि नहीं, और भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इसीलिए आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है। सुरक्षा के नाम से फिर आंदोलन किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो आंदोलन हुआ अत्यंत दुखद आंदोलन है, क्योंकि हम महंगाई भत्ता के लिए, पदोन्नति के लिए आंदोलन करते हैं, मार खा करके गिरफ्तारी के लिए हमको आंदोलन करना पड़े, छत्तीसगढ़ की माटी के लिए बहुत बड़ा कलंक है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, मारपीट ना हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ।